आज के वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जो कि मेरे लिए बिल्कुल नोनो प्रोडक्ट है। कुछ मैंने यूज़ किए हैं, कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी, उनका सब्स्टिट्यूट आपके घर पे अवेलेबल, आप उसे यूज़ कर सकते हो। और वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करूँगी। तो आज उनमें से एक प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है नर्सिंग पिलोज़ यानी ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज़, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हर कोई ख़रीद रहा है। उन चीज़ों के बारे में तो हाय एवरीवन, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम बैक टू मेसी मम ऑफिशियल सेट अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है वो ये है कि नर्सिंग पिलोज जो मार्केट में अवेलेबल हैं क्या वो रियली में हेल्पफुल होती हैं या फिर ऐसे ही बस आजकल बेबीज़ के नाम पर एकदम इतने सारे प्रोडक्ट्स बांट दिए हैं मार्केट में, चाहे वो यूज़फुल हो या ना हो। क्या सच में ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज़ में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा है, सही है या नहीं है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज़ होती क्या है। तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो का मैं यहाँ पर एक इमेज लगाई हूँ, आप देख लो। ऐसे यू शेप की एक पिलो होती है जो कि आप अपनी कमर पे फंसा कर और बेबी को फीड कराते हो, बेबी को दूध पिलाते हो। तो उसमें क्या होता है कि बेबी का जो सारा वेट होता है वो आगे वाले हिस्से पे ऐसे आ जाता है और आप बेबी को आराम से फीड करा सकते हो। तो ये जो इसका पूरा पर्पस होता है उसके लिए ये पिलो होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इसके बेनिफिट क्या होते हैं, किस तरह के बेनिफिट्स हैं जो कि कंपनियां क्लेम करती हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट ये होता है वो ये होता है कि बेबी का जो वेट होता है वो आप बेयर नहीं करते हो बल्कि पिलो पे होता है, तो आप पे प्रेशर कम पड़ता है। एंड देन नेक्स्ट थिंग ये होता है कि जैसे अगर आप बैठ के बेबी को अगर फीड कराते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स, 1-2 मंथ्स के लिए मना किया जाता है कि आप लेट के ब्रेस्ट फीड ना कराओ बेबी को, तो वैसे में आप बैठ के जब फीड कराते हो तो बेबी को बहुत आसानी होती है, आप ऐसे कमर पे जस्ट फंसा के बेबी को फिट करा लेते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग जो कंपनियां क्लेम करती हैं वो ये करती हैं कि इससे जो बेबी का बैकबोन होता है, मतलब इस तरह से डिज़ाइन होती है कि जो बेबी को लिटाने पे उसका जो बैक का एरिया होता है, लाइक बैकबोन हो गया, पिछला हिस्सा होता है, वो ज़्यादा हर्ट नहीं होता है और बेबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ब्रेस्ट फीड के दौरान। तो इस तरह के कुछ फ़ायदे हैं जो कंपनियाँ क्लेम करती हैं कि नर्सिंग पिलो से आपको ये सारी चीज़ों की हेल्प हो सकती है। द नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि कितने रेंज तक आती है। तो इसका जो आपको आराम से 500, 650, 600 तक आराम से मिल जाएगी। फर्स्ट क्राई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब जगह आपको अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हो, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग ये कि इसको कब तक, मतलब बेबी को आप इस पे इसके सहारे दूध पिलाएं, अप टू 18 मंथ तक के बेबीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ क्लेम की जाती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि सच में ये इतना यूज़फुल है जितना ऐसे कंपनियां क्लेम कर रही हैं, ये है ऐसा कुछ। तो अकॉर्डिंग टू मी तो मेरे तो बिल्कुल ये वेस्ट ऑफ मनी है। मैं इसमें बिल्कुल भी पैसा ना फंसाऊँ, 100 रुपये भी ना फंसाऊँ मैं इसमें, क्योंकि रीज़न क्या है कि जो काम आप इस पिलो के थ्रू करते हो वो आप अपने घर की एक नॉर्मल पिलो के थ्रू भी कर सकते हो, जो कि मैंने आरू के टाइम पर भी किया था, जो कि मैं कियान के टाइम पर भी कर रही हूँ। तो घर पर जो आपकी कोई भी कॉमन पिलो है आप उसको भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अब जाके जब कियान 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है और 17 को 3 महीने का पूरा हुआ था, वो 17 अगस्त को, अभी सितंबर चल रहा है, 3.5 महीने का हो रहा है। अब जाके मैं उसे लेट के दूध वो पी लेता है, आराम से ब्रेस्ट फीड कर लेता है, बट उससे पहले तक मैं उसको बैठ के ही फीड करा रही थी हमेशा। इवन आई हैव C-सेक्शन डिलीवरी, तभी भी मैं उसको बैठ के पिला रही थी, और वो भी मैंने नॉर्मल घर की पिलो से मैं यूज़ करती हूँ, उस पर लिटा के बेबी को फीड कराती हूँ। मुझे किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बेबी जब होता है तो उसको भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कैसे दूध पीना है, कैसे फीड करना है, और आपको भी थोड़ा सा होता है। अगर आप स्पेशली न्यू मॉम हो तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट 1 या 2 दिन ऐसे होता है, बाकी 1 हफ्ते के अंदर बच्चा भी ट्रेन हो जाता है, आप भी ट्रेन हो जाते हो, तो इतनी मुसीबत नहीं होती है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें पैसा फंसाना इतना कोई ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना यूज़फुल भी नहीं है, बाद में आप इसका क्या ही करोगे। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नोनो प्रोडक्ट है, मैं इसमें बिल्कुल भी पैसा ना फंसाना पसंद करूँ। नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आप घर का कोई पिलो यूज़ करें तो बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पिलो है वो थोड़ी सी स्टफ्ड होनी चाहिए, लाइक थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे पिचकी हुई, जैसे डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। बेसिकली आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस, तो मैं ज़्यादा पिलो यूज़ नहीं करती हूँ, जो यूज़ भी करती हूँ बहुत ही फ्लैट होती हैं। तो ज़्यादा फ्लैट पिलो ना यूज़ करें, थोड़ी सी ऊँची पिलो यूज़ करें, जैसे कि मैं अफजल की पिलो यूज़ करती हूँ। अफजल लव्स टू यूज़ अ लिटिल स्टफी पिलो, तो मैं उनकी पिलो यूज़ करती हूँ जो कि बहुत हेल्प फुल रहती है। वो तो पूरी तरह से कियान के लिए लॉट हो चुकी है अभी वो पिलो। तो यस, इस तरह की पिलो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बिना मतलब इसमें पैसे फंसाने से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। तो ये है मेरी तरफ से एक नोनो प्रोडक्ट जिसमें मैं कभी भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। आपने कभी ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है मुझे ज़रूर बताइएगा। येस, स्पेशली इफ़ यू आर अ न्यू मॉम और आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके घर पर आपकी हेल्प करने के लिए भी नहीं है, और आपको लगता है आपको ख़रीदना चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। बट ट्रस्ट मी, अगर आप चाहो तो आप एक नॉर्मल पिलो से भी ये काम अपना निपटा सकते हो। आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप सच में यूज़ कर रहे हो ये पिलो, और अगर यूज़ करो तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। mayonnaise. और अगर अभी नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करना चाहोगे या नहीं चाहोगे. तो येस, दिस इज़ द वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल. लव योरसेल्फ.